नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो हाउसवाइफ के लिए बेहद खास होने वाली है। अक्सर हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो किसी न किसी वजह से हमें चोट लगती रहती है, चाहे वो सब्जी काटते समय कभी कभी हमारा हाथ कट जाता है, या फिर कभी पानी गर्म करते हैं, या चाय बनाते हैं, या फिर सब्जी छौंकते हैं तो सब्जी में से तेल के छींटे आके हाथ जल जाते हैं, या फिर चाय गिर जाते हैं या गर्म पानी गिर जाता है तो हमारे हाथ जल जाते हैं। तो अगर आपके हाथ कट जाते हैं या जल जाते हैं तो उसका बेहद असरदार घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी है वो है ये एलोवेरा। तो अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल आता है वो भी ले सकते हैं। तो एलोवेरा को काटने के बाद आपको आधा घंटा तक इसे खड़ा करके रख देना है ताकि इसमें से येलो कलर का एक रस निकलता है वो अच्छे से निकल जाए। आधा घंटा बाद आप इसे पानी से धो लें। तो मैंने यहाँ पर आधे घंटे बाद इसे पानी से धो ली हूँ। अब इसके किनारों में से कांटा जैसा होता है उसे हमें काट कर निकाल देना है और ये ऊपर की पत्तियों को इस तरह से आराम से हमें काट कर हटा देना है। ऊपर की पत्तियों को मैंने अच्छे से काट कर हटा दी हूँ और ये देखिए इसमें जेल है। तो इसे चाकू से इस तरह से आप कट करके और चाकू से घिसेंगे तो इसमें से आपको जेल मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर वाइट वाले आपको पार्ट दिखेंगे सबको घिस कर निकाल देना है, ग्रीन वाला हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से घिसते जाएंगे और सारा जेल आपको निकल जाएगा। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो मार्केट का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने जेल को निकाल ली हूँ। अब इसमें दूसरी चीज़ जो हमें डालनी है वो है हल्दी। तो हल्दी जो आपको लेनी है वो गांठ वाली लेनी है, मतलब कि ताज़ी हल्दी लेनी है, अपने खेत वगैरह की होती है वो। अगर वो नहीं मिलती है तब आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर हल्दी ली हूँ ये हमारे घर की खेत की हल्दी थी। इसे हमने मिक्सी में पीसकर और पाउडर तैयार करके इस तरह से रख लेती हूँ ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े इन सब चीज़ों के लिए तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक चौथाई छोटा चम्मच ही हल्दी का पाउडर इसमें डाली हूँ। अब हल्दी और एलोवेरा को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से, तो ये अच्छे से जल्दी मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब भी मुझे किचन के काम करते समय हाथ कट जाता है या फिर गर्म चीज़ों से मेरा हाथ जल जाता है तो मैं इसी तरह से इसको ठीक करती हूँ। 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है और जब जल जाता है तो जले का निशान भी नहीं रहता है, और जब हाथ कट जाता है तो कटने का निशान तक गायब हो जाता है 2 से 3 दिन में ही। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे आप कटे हुए स्थान पर या फिर जहाँ जल गया है या फिर चोट लग गई है या फिर कहीं घाव हो गया है तो उस जगह पर भी इसे आप लगा सकते हैं। तो इसे इस तरह से कटे हुए या जले हुए स्थान पर लगाना है और जहाँ तक आपको जला है उस जगह को आपको पूरा इससे कवर कर लेना है इस तरह से फैलाकर। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही बनाई हूँ, अगर आपको ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा आप बनाकर और इस तरह से लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आप रुई रखकर और एक पट्टी से इसे बांध भी सकते हैं। तो दिन में 2 बार आपको इस तरह से लगाना है और थोड़ा बहुत अगर आपको चोट लगी है तो 2 से 3 दिन में आपको ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा हुआ है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, और बहुत ही ज़्यादा हाथ जल गया है तो डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाए। और इससे जब हमारे हाथ जल जाते हैं तो इसको लगाने के बाद आपको फफोले वगैरह जो हाथ में पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे और जलन तो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। तो इस घरेलू उपाय को आप भी एक बार प्रयोग करके देखिएगा, बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा है। मैं बरसों से इसका इस्तेमाल करती आ रही हूँ।